बेनीपटिया अनुमंडल मुख्यालय के 6 केंद्रों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में आयोजित हो रही इंटरमीडिएट की परीक्षा गुरुवार को शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई। श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परियोजना बालिका उच्च विद्यालय डॉक्टर नीलांबर चौधरी इंटर महाविद्यालय मध्य विद्यालय बेनीपट्टी सुरसरी चंद्रमुखी महिला महाविद्यालय और बनकट्टा स्थित मेडोना इंग्लिश स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां इन केंद्रों पर पहले दिन पहली पाली में विज्ञान संकाय के जीव विज्ञान और दूसरी पाली में कला संकाय के अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा हुई। केंद्र के आसपास बांस बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई थी। प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर छात्राओं के आने के लिए केंद्रों के मुख्य द्वार खोल दिए थे। कड़ी निगरानी और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा ली गई। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा और वीडियो कैमरा से पूरी परीक्षा अवधि तक तैनात कर्मियों के द्वारा निगरानी की जाती रही। बता दें कि परीक्षार्थियों को अपने कक्ष तक पहुंचने से पहले सघन जांच से गुजरनी पड़ी। जांच केंद्रों पर प्रतिनियुक्त महिला अधिकारियों द्वारा छात्राओं की सघन तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान कदाचार न करने की बार बार हिदायतें दी जा रही थी। हर जांच केंद्रों पर महिला पुलिस बलों के साथ अन्य महिला कर्मियों दंडाधिकारियों व अधिकारियों की तैनाती की गई थी। करीब 8 बजे सुबह से ही केंद्रों पर परीक्षार्थियों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो परीक्षा प्रारंभ होने तक चलता रहा। समय बढ़ने के साथ ही वैसे परीक्षार्थियों जो किसी कारणवश रास्ते में ही अटक गए थे, उनके चेहरों पर अपने केंद्रों पर जल्दी पहुँचने और सीट तलाशने की बेचैनी दिख रही थी। परियोजना बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय को मॉडल केंद्र बनाया गया था, जहां रंग बिरंगे बैलून से सजाया गया था। बताते चले कि इन सभी 6 केंद्रों पर बेनीपट्टी अनुमंडल के 4238 छात्रों को परीक्षा में शामिल होना था और पहले दिन की परीक्षा में कई छात्राओं को अनुपस्थित रहने की बात कही जा रही है, लेकिन खबर भेजे जाने तक परीक्षा जाने के कारण अनुपस्थित के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। इस दौरान प्रशासन की सघन गश्ती लगातार जारी, परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लगी रही। इस बीच एसडीएम मनीषा, एसडीपीओ नेहा कुमारी व बेनीपट्टी बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन सहित अन्य अधिकारियों ने भी परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर जायजा लिया। कुल मिलाकर बेनीपट्टी के सभी 6 परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा सम्पन्न कराई गयी। कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन कराए जाने के निर्देश को गंभीरता पूर्वक लेते हुए एसडीएम व एसडीपीओ के अलावा सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी व सहकर्मी दिन भर कसरत करते रहे। पहले दिन की परीक्षा के समापन के उपरांत ही सभी केंद्राधीक्षकों ने चैन की सांस ली है। ऐसा रहा, क्या नाम है तुम्हारा? पूर्णिमा कुमारी। कहाँ एग्जाम दे रही हो? एससी महिला कॉलेज में। कहाँ से आती हो? उमगांव प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल उमगांव। आज कौन विषय की एग्जाम थी? बायोलॉजी। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा रहा। बताओ भीतर का माहौल देखा कैसा लगा, वो बताओ उसके संबंध में। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था और जो नहीं है उसके लिए क्वेश्चन बहुत हार्ड था। जो पढ़ने वाला है उसके लिए क्वेश्चन में आज दम नहीं था। तो अगर ऐसा ही रहा क्वेश्चन तो रिजल्ट अच्छा आएगा? हाँ, एकदम उम्मीद। कोशिश तो करूंगी पूरी अपने तरफ से। अब कॉपी चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह आज क्वेश्चन रहा, अगर इसी तरह सभी विषय में क्वेश्चन रहा तो सर्टेनली 80% से ऊपर रिजल्ट लाओगी। हाँ, ये भरोसा होगा। हाँ, इसकी तो मैं तैयारी की हूँ। क्या नाम है? दुर्गा कुमारी। कौन से स्कूल से हैं? प्रोजेक्ट गर्ल्स प्लस टू हाई स्कूल। कहाँ? बेनीपट्टी। अच्छा, अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं? हाँ। कहाँ सेंटर है? ये एससी महिला कॉलेज। अच्छा, क्या तैयारी करके आए हैं, क्या महसूस हो रहा है आपको? हम लोग तो ठीक से तैयारी करके आए हैं। मन में है जो जैसे हम लोग तैयारी करके आए वैसा ही क्वेश्चन आए, ताकि हम लोग अच्छे से बना पाए उसे। अभी तो बहुत सारी उम्मीद है कि कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। थोड़ा मन में डर भी है कि किस तरह का होगा। उम्मीद करते हैं कि जैसा हम लोग तैयारी करके आया है उसी तरह का एग्ज़ाम हो, मतलब उसी तरह का हम लोग को क्वेश्चन आए। अच्छा, आपकी क्या तैयारी है? तैयारी तो बहुत अच्छी है, बट दिल में बहुत डर है। मतलब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मतलब पता नहीं कौन सा नंबर है, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा मतलब जो याद करके आए हैं वो होगा भी नहीं होगा, मतलब दिल में फिर भी बहुत ज़्यादा डर है। अब कौन सा पेपर है अभी आप दो एग्ज़ाम दो? अभी हम लोग का इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स। हाँ। क्या नाम है आपका? तरन्नुम परवीन। घर कहाँ है आपका? कचरा। कचरा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।